हर्ब्स प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम जो हर्ब्स होते हैं वो हरे रंग के होते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा नाजुक सी स्टेम होती है स्टेम क्या होती है ये जो ब्राउन कलर की डंडी है उसको हम स्टेम बोलते हैं उनकी बहुत ज़्यादा नाजुक सी स्टेम होती है दे आर यूजअली शॉर्ट एंड हैव ब्रांचेज दैट आर प्रेजेंट यूनिफॉर्मली थ्रू द स्टेम और उनके जो ब्रांचेज होती है ये जो यहाँ से निकल रही है जो कली इस तरीके से निकलती है इनको हम ब्रांचेज़ बोलते हैं और हर्ब्स की जो ब्रांचेज़ होती हैं जब वो निकलती हैं तो बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके से निकलती है यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि इक्वल निकलती है अगर यहाँ से बिल्कुल वो एक सेंटीमीटर की निकल रही है तो यहाँ से वो एक ही सेंटीमीटर की निकलेगी हर्ब्स आर कॉल्ड बुशज हर्ब्स को हम बुश के नाम से भी जानते हैं इट कैन बी यूज इन कुकिंग फॉर मेडिसिन परपसिज और फॉर फ्रेगरेंस हर्ब्स को हम खाना बनाने के लिए मेडिसिन के पर्पज़ के लिए और खुशबू के लिए भी यूज़ करते हैं फ्रेगरेंस का मतलब होता है खुशबू कुछ एग्जाम्पल हैं हर्ब्स के कॉरेंडर बेलीव्स जिंजर मस्टर्ड और क्लोव शर्ब शर्ब इज़ अ स्मॉल टू मीडियम साइज वुडी प्लांट जो शर्ब्स होते हैं वो स्मॉल साइज के भी होते हैं और मीडियम साइज के भी होते हैं दे हैव मल्टीपल स्टेम एंड शॉर्टर हाइट लेस देन सिक्स टू टेन मीटर्स जो शर्ब्स होते हैं उनकी बहुत सारी स्टेम्स होती हैं वो हाइट में छोटे होते हैं और हाइट जो उनकी रहती है वो छः मीटर से दस मीटर तक की रहती है या उससे छोटी रहती है शर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड वुडी प्लांट्स शर्ब्स को हम वुडी प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं दे आर सोर्स ऑफ फ्यूल फूड स्टाफ्स एंड एक्सेट्रा जो शर्ब्स हैं हमको आ, फ्यूल के लिए लकड़ियाँ यानी कि इसे जलाने के लिए लकड़ियाँ देते हैं खाने का सामान प्रदान करते हैं और बहुत सी चीज़ें एग्जाम्पल लेंगे अगर हम शर्ब्स का तो वो आएगा रोज़ हिबिकस लेमन और हिना और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स और आगे बढ़ते हैं हम ट्री की तरफ ट्री आर मेड ऑफ वुड एंड हैव ट्रंक ब्रांचिज एंड लीव्स जो पेड़ हैं हमारे वो लकड़ी से बने हुए हैं उनकी एक ट्रंक है ब्रांचेज हैं और पत्ते हैं इट हैज़ अ सिंगल स्टेम ट्रंक उनकी एक सिंगल स्टेम रहती है जिसको हम ट्रंक कहते हैं एंड ब्रांचेज और ब्रांचेज रहती हैं दैट सपोर्ट लीव जो किसको सपोर्ट करती हैं पत्तों को ट्रीज आर ऑल्सो नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ ट्री को हम अर्थ के लंग्स से भी जानते हैं ट्री का दूसरा नाम है वो है लंग्स ऑफ द अर्थ ट्री प्रोवाइड ऑक्सीजन इम्प्रूव एयर क्वालिटी सपोर्ट वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा सोन देखो ट्रीज़ तो हमें बहुत सारी चीज़ें देती हैं है ना ऑक्सीजन देती हैं हवा को साफ रखने में मदद करती हैं वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करती हैं पेपर पेन मतलब तो सारी चीज़ें क्या ट्री से ही बन रही हैं एग्जाम्पल अगर हम लें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं जैसे कि नीम पाइन बानियन पीपल मैंगो अब चलिए बैठते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ क्रीपर्स प्लांट विथ वीक स्टेम दैट के नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड जिन प्लांट्स की बहुत ही ज़्यादा वीक स्टेम होती है वो सीधे खड़े नहीं हो पाते वो ग्राउंड पर फैलते हैं और बढ़ते हैं उन्हीं को हम क्रीपर्स कहते हैं क्रीपर्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोकम्बंट प्रोकम्बंट मतलब मुँह के बल गिरा हुआ बिकॉज ये कैसे गिरे हुए होते हैं ना जमीन पर फैलते हैं तो इसलिए हम क्रीपर्स को प्रोकम्बेंट के नाम से भी जानते हैं एग्जाम्पल है पम्पकिन वाटर मेलन मक्स मेलन स्वीट पटैटो एशकार नाउ वी हैव क्लाइंब प्लान्ट वीक स्टेम दैट कैन स्टैंड अप राइट बट रेडिली क्लाइंब अप द सपोर्ट ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम्स जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक होती हैं लेकिन वो सपोर्ट की मदद लेकर ऊपर सीधे खड़े हो सकते हैं क्लाइम्बर आर ऑल्सो नोन एज माउंटेनियर्स क्लाइंबर को हम माउंटेनियर भी कहते हैं क्यों क्योंकि जिस तरीके से इंसान माउंटेन के ऊपर सपोर्ट से चढ़ता है ठीक उसी तरीके से जो क्लाइंबर्स हैं वो सपोर्ट के साथ ऊपर की तरफ ग्रो होते हैं एग्जाम्पल लें तो ग्रेप वाइन पी प्लांट मनी प्लांट क्यूक्यूम्बर सी पीस आज की वीडियो में यहीं तक अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो जल्दी से शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय